इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि छत के जो टाइल्स होती है उसके ऊपर हम टेराकोटा पेंट किस तरह से कर सकते हैं। तो उससे पहले आप देख सकते हो ये सब व्हाइट कलर के छींटे हैं या फिर धूल मिट्टी है, वो सब कैसे साफ करना है वो पहले मैं बताऊंगा, और उसके बाद कौन सा कलर इसके ऊपर अप्लाई करूंगा वो सब दिखाऊंगा। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना, आपको पूरी माहिती मिलेगी। तो दोस्तों चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इसे साफ करना होता है। साफ करने के लिए मैंने ये एक वायर ब्रश लिया है और एक ब्रश लिया है। वायर ब्रश की मदद से हमें ये जितने भी पार्ट्स हैं उसे पहले घिस लेना है अच्छे से। तो दोस्तों जैसे कि अभी आपने देखा मैंने इस तरह से घिस दिया, और उसके बाद एक कोई भी ब्रश लेके जितनी भी अभी हमने धूल की है वो सब साफ कर लेनी है। तो दोस्तों इस तरह से अभी हमारी जो टाइल्स है वो इसके ऊपर पेंट लगाने के लिए तैयार हो चुकी है। अभी हम इसके ऊपर कौन सा पेंट लगाने वाले हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों अभी हमने छपाई की छत के ऊपर टेराकोटा कलर हम एशियन पेंट का पैक यूज करने वाले हैं। और दोस्तों इसका कोड आप देख सकते हो यहाँ पे 0427 करके इसका कोड है। इसको हम सबसे पहले एक ट्रे लेंगे और उसके अंदर पहले अच्छे से कलर को मिक्स करेंगे और फिर उसके ऊपर करेंगे। तो अभी मैंने इसे खोल के रखा है, कुछ इस तरह का कलर आता है आप देख सकते हो। ये जो हम घर पे या फिर पुराने होता है ना जो नली लगाते हैं उसके ऊपर कर सकते हो, काफ़ी अच्छा दिखता है। इसके लिए सबसे पहले मैं ये कलर निकाल लेता हूँ, जितना मुझे चाहिए उतना ही निकालूंगा क्योंकि ज़्यादा निकलने का कोई मतलब नहीं है। और एक दोस्तों बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कलर को आप नॉर्मल कलर की तरह ज़्यादा पतला मत करना, इसे थोड़ा सा ही पानी डालो क्योंकि ये एक तो आप रिस्क के ऊपर रह के काम करने वाले हो, यानी कि छत की छत के कोने में खड़े रह के आप काम करने वाला हो, तो गाढ़ा कलर होगा तो एक बार में अगर आप कंप्लीट कर सको वैसा कर सको तो अच्छा रहता है। इसीलिए मैंने इसे ठीक ही रखने वाला हूँ, पर इसका कलर आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ठीक आता है, तो इतना भी ठीक नहीं करना है कि हमें ब्रश भी ना चल सके। इसलिए हमें पहले इसे थोड़ा पतला कर लेंगे और फिर उसके ऊपर जाके हम लगाने वाले हैं। तो चलो पहले पतला कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी ये कलर हमारा रेडी हो चुका है पानी डालने के बाद। अभी मैं आपको वो छत है वहां पे जाके इसे कैसे करना है वो सब दिखाता हूँ, तो चलो वहां पे जाते हैं अभी। तो दोस्तों पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। दोस्तों ये वही ब्रश है जिससे हमने हलाया था, तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं इसे। पहले इस तरह से बॉर्डर बना लेनी है हमें। इस तरह से सब जगह पे आगे ज़्यादा बिगड़े नहीं कलर, उस तरह से हमें ध्यान रखना होता है। और फिर इसे नीचे की तरफ इस तरह से खींचोगे तो हो जाएगा। और दोस्तों इस तरह से ही आपको करना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। कलर आपने अगर पतला रखा होगा तो यहाँ से वो ड्रिप होकर डायरेक्ट नीचे गिरने लगेगा और नीचे भी बिगाड़ सकता है। दोस्तों ये वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कर देना, क्योंकि आप लाइक और शेयर करते हो तभी हमें लगता है कि नहीं आपको थोड़ी हमारी वीडियो से नॉलेज मिलती है और काम आती है आपको हमारी वीडियो।
इसलिए थोड़ा हमें सेपरेट भी किया करो। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो एक ही बार में हमने गाढ़ा कलर लिया है तो किस तरह से जो व्हाइट धब्बे थे वो सब अच्छे से छुट चुके हैं। तो अगर आप पतला करोगे तो ये होगा नहीं, क्योंकि ये रेड कलर है और रेड ही समझ सकते हो, क्योंकि इसे दो तीन कोट करना पड़ता है अगर आप पतला करो वॉल पे, आपको पता हो। और छत पे आप रिस्क पे बैठे हो, नीचे डायरेक्ट गिरने का डर रहता है, तो इसलिए आप हो सके उतना गाढ़ा रख के ही काम करो। हाँ, इसमें थोड़ा मटेरियल जा सकता है ज़्यादा, पर उसमें हमारी सेफ्टी भी रहती है, पर एक बार में कंप्लीट हो जाता है तो हमारा टाइम भी बचता है, इसलिए ये भी ध्यान रखना चाहिए। अभी आप देख सकते हो इस तरह पूरा करना है हमें, तो वो करने लगते हैं सर पहले। दोस्तों मेरा एक सजेशन रहेगा आपको, जब भी आप ऐसे छत पे टेराकोटा कलर करने की सोच रहे हो या फिर करवा रहे हो या फिर आप खुद पेंटर हो, तो सुबह के टाइम पे करो 11 बजे से पहले, और या हो सके तो शाम को 4 बजे के बाद करो, क्योंकि दोपहर में एक तो ये जो हमारी छत होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी होती है, उसकी वजह से हम जब भी ऐसे कलर करने की लगाएंगे डायरेक्ट तो वो कलर सोक कर लेगा, यानी कि वो कलर को अच्छे से पकड़ लेगा और वो कलर हमारा ज़्यादा चलेगा नहीं, उसकी कवरेज कम आ जाएगी, धूप की वजह से जो कलर है वो ज़्यादा यूज़ होगा, तो उसकी वजह से आप जब भी यूज़ करो तो सुबह के टाइम पे यूज़ करो, ये मेरा सजेशन रहेगा। तो जल्दी जल्दी अभी हमारा थोड़ा बाकी वो ख़त्म कर लेते हैं और फिर वीडियो को एंड करते हैं। दोस्तों आपको अगर और कुछ भी देखना है, जैसे कि पेंटिंग वर्क कैसे कर सकते हैं, दीवार पर इंटीरियर पेंट कैसे लगता है, वो सब वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ पर जाके आप एक बार देख सकते हो। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा पसंद आया है, किस तरह से लगा है, ये सब हमें कमेंट करके बताना। जल्दी जल्दी मैं पहले इसे ख़त्म कर लेता हूँ। दोस्तों अगर आप खुद से करना चाहते हो और ब्रश ट्रे ये सब खरीदना चाहते हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहाँ पे पूरा आपको किट मिल जाएगा, ब्रश रोलर टेप मास्किंग टेप और ये ट्रे पूरा आपको सेट मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप खरीद सकते हो। दोस्तों अभी मैं टेराकोटा पेंट करके कंप्लीट छत पे आ चुका हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने पूरा जो टेराकोटा पेंट है वो किया था इस तरह से, अभी ये पूरा पार्ट पे हमने टेराकोटा पेंट किया था। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमें सपोर्ट कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, आपको और कोई टॉपिक के बारे में पूछना है या फिर वीडियो बनाने की सजेशन देना है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।